नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी जिंदगी में। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में कितना सुंदर पौधा और कितना नन्हा सा और कितने बढ़िया सुंदर इसके फूल हैं, ये देख पा रहे हैं। तो आप पहचान लीजिए, देख लीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत तक नहीं बने रहते हैं तो आप इनका, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, जब तक इसके बारे में सही तरीके से पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, पूरा ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपको फायदा नहीं देती। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दूधी है। दूधी दो प्रकार की होती है, एक बड़ी दूधी होती है, एक छोटी दूधी होती है। तो ये अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं ये है बड़ी दूधी। तो ये बड़ी दूधी है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। ये अगर आपको डिसेंट्री लग रही है, टट्टी लग रही है, किसी भी प्रकार से नहीं सही हो पा रही है, तो आपको इसको क्या करना है, इसके पंचांग को उखाड़ लेना है। जड़ है, पत्ता है, फूल है, तना है, पूरा उखाड़ लीजिए और उखाड़ने के बाद इसको बांट करके आप पी लीजिए। तो आप देखेंगे कि जब दो एक बार पियेंगे तो आपको बार बार सोच जाने की जो प्रक्रिया है ये बंद हो जाएगी, सही हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो है कोई आपको दिक्कत हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है पीने में। और जो हमारी माताएं हैं जो इस नवजात शिशु को दूध पिलाती हैं और दूध समझ रही हैं कि कम निकल पा रहा है, बच्चे को दूध नहीं निकल पा रहा है, तो वो भी बहनें जो है इसके नए पंचांग को उखाड़ लाएं, पूरा फूल पत्ता जड़ जैसा हमने बताया पंचांग, और उसको बांट करके आप पीजिए दो चार दिन, देखिए कि आपको दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको किसी प्रकार सफ़ेद पानी से दिक्कत है, लिकोरिया से दिक्कत है, तो आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। कमज़ोरी हो, चाहे वो पुरुष की कमज़ोरी हो चाहे वो महिला की कमज़ोरी हो, दोनों को किसी भी प्रकार से कमज़ोरी है, तो आप इसके पंचांग को बांट करके पी सकते हैं। इसको काढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप काढ़ा भी बना के पी सकते हैं और इसको मिश्री के साथ भी पी सकते हैं और शहद भी मिला करके पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इसको मिश्री के साथ भी लें, शहद के साथ भी लें, जैसा आप लेना चाहें। हाँ, बस इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमारे अगर शुगर वाले भाई बहन हो तो शुगर वाले भाई बहन मिश्री शहद का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शुगर वाले के लिए शहद और मिश्री को वर्जित किया जाता है, क्योंकि वो मीठे होते हैं, तो उनका सेवन ना करें। और आप लोग इसको लें, कमज़ोरी में किसी भी प्रकार से कमज़ोरी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, आप इसको लीजिए बांट करके पीजिए, इस्तेमाल तो करिए मेरे भाई बहनों। आप इस्तेमाल करते नहीं हो फिर कह देते हो कि हमें आराम नहीं लग पा रहा है, ये दूधी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रामबाण औषधि है। आप लीजिए तो प्रयोग करिए, प्रयोग करके देखिए, करना नहीं चाहते हो, सीधे अंग्रेजी दवाइयों की तरफ भागना शुरू कर देते हो। अंग्रेजी दवाइयों की तरफ ना भाग करके ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की तरफ भागिए। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ आपको पूर्णतः लाभ देंगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं करेंगी। आप बेकार में भागते फिर रहे हैं दवाइयों के पीछे, अंग्रेजी दवाइयों के पीछे, अंग्रेजी दवाइयों के पीछे ना भागिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ का इस्तेमाल करिए। जब तक के लिए नमस्कार।